पहुंच गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास, और थोड़ा रेस्ट करके फिर दर्शन करते हैं भाई। यार अंकल 40 किलो का बैग उठा के मेरे से पहले पहुंच गए। कितना टाइम लगा? हाँ 1.5-2 घंटे, 2 घंटे में पहुंच गया हूँ मैं। टुंगनाथ का जो ट्रैक है वो बस 2 घंटे का है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर मेरे जैसा बंदा है जो कंटिन्यू चलता रहे, सिर्फ एक ही ब्रेक लिया था जहाँ अंकल रुके थे, जस्ट चाय और कुछ खाया था। और अभी मेरी घड़ी में वैसे टाइम गलत चल रहा है, लेकिन यूँ है 1.5-2 घंटे में आप आराम से ट्रैक करके पहुँच जाते हो अगर मेरे जैसा कोई ठीक ठाक फिट बंदा है तो। ज़्यादा ब्रेक लोगे, मैंने तो एक ही ब्रेक लिया है, ज़्यादा ब्रेक लोगे थोड़ा टाइम और लग जाता, आधा घंटा और बढ़ा लो भाई, तो 2-2.5 घंटे में आप आराम से चढ़ जाओगे और आराम से घूम फिर के फिर नीचे। और बनाना है प्रसाद? और बनाए बोलो। कल क्या कर लिए हैं? अपना ब्रेड सोगा प्रसाद करके। ये सोगा नहीं आप तो 50 अंकल जी मंदिर के ऊपर से करवा दे, नेटवर्क करवा दे, यहां डेटो नहीं पकड़ रहा। वही तो बोल रहा हूं, ये चक्कर नहीं आता, नहीं आता नहीं है कौन 200 का दी 100 रुपए। अब जाने टाइम में ले जाना, कोई बात ठीक। ओए होए, हेलो जी, फोग बादल क्लाउड्स के अंदर फिलहाल 20 मिनट में मौसम बदल गया, बस ओले ना पड़ जाए। अरे राम रे, ना तो मैं रेनकोट लेके आया ना छाता लेके आया। हो देखो भैया टुंगनाथ का मौसम। पैर भर गए हैं मेरे तो सारे, सारे क्या दो ही हैं है कि नहीं? अरे राम, हाँ अरे आओ नीचे से, माँ भूमि पकड़ लो भूमि महादेव। कॉल भरो आदर्श भाई, बादल है ना नीचे हैं, मैं ऊपर हूँ, देखो नीचे सारे ये है ना, ये नीचे और भी नीचे हैं पहाड़ पे, बिल्कुल नीचे। बॉडी थोड़ी सी टायर्ड हो गई है, मन कर रहा है चढ़ जा। फोटो तो बढ़िया आए भाई यहाँ पे, है कि नहीं? वो आगे हैं, पानी भरा हुआ क्या क्या वहाँ? ओह आ बढ़िया यार, देखो जरा आ गए हम भाई बादलों में, बादलों में ही हैं भाई, बादल नीचे हम ऊपर हैं है कि नहीं? ये यहाँ पे पानी भरा हुआ क्या? मुझे ऐसा कुछ लगा, पानी चल रहा है कंटिन्यू ऊपर। अरे कोहरा आ गया भाई फुल,
अच्छा इस कोहरे में मैं ना आप लोगों को कुछ बताता हूँ, मंदिर में भी मैंने दर्शन किए हैं तो मंदिर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। मंदिर में ये तो फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना बिल्कुल बंद है, और दूसरा थोड़ा आराम से बैठ के बताता हूँ, कोहरा तो चलेगा पीछे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, ठीक है, बस जानवर ना आ जाए जंगली। कोहरा चल रहा है देखो। अच्छा, मंदिर में आप एंट्री करोगे, सबसे पहले प्रसाद लोगे 150 रुपये का 200 रुपये का, उसके बाद मंदिर के जो मेन गेट है ना वहाँ से आप फ़ोटो खींच सकते हो, उसके बाद आपको फ़ोटो नहीं खींचने देंगे, थोड़ा रोकेंगे, उसके बाद लाइन में लग जाओ। वहाँ पे आपने वीडियो में देखा होगा लोटे रखे हैं काफ़ी सारे, एक लोटा लो, थोड़ा नीचे जाओ, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, और वहाँ पे नल है, वहाँ से पानी भरो और लाइन में लग जाओ। सबसे पहले पुजारी जो है यहाँ के, वो बोले पहले नंदी जी के ऊपर पानी चढ़ाया जाएगा, नंदी जी के ऊपर थोड़ा सा पानी चढ़ा के उनका आशीर्वाद लेके आप मंदिर में एंटर करोगे। अच्छा, दक्षिणा के लिए आप 50-100 रुपये अपने हाथ में रखो, क्योंकि अंदर 3 या 4 क्या है पुजारी हैं, वो आप उनको दोगे तो कुछ मंत्र बोलेंगे और आपका जो गोत वगैरह है वो नाम बोल के मंत्र पढ़ के आपको आगे पूजा के लिए भेज देंगे। मतलब भाई आप छोटी सी पूजा और अपनी धोक वो खा लो, अपना प्रसाद है वो शिवलिंग के साथ में लगा के अपना ले लो, ठीक है, तिलक कर देंगे भाई। दूसरा क्या है, पूजा से पहले ना आप मंदिर में एंटर करोगे, जब देखोगे कि काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हैं साइड में, और वो मूर्तियाँ पुजारी जी ने बताया कि यहीं पे मिली हैं भाई, वो जो भी जैसे भैरवनाथ की होगी, महादेव की होगी, माता पार्वती की होगी, ये सारी मूर्तियाँ वहाँ पे रखी, और वो बहुत सालों पुरानी है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आप मंदिर से आउट हो गए, उसके बाद आपको अपने अगर 150 रुपये की पूजा की जो थाली है वो ली है, उसमें धूप भी होती है, बेलपत्र भी होता है, धागा भी होता है, एक नारियल होता है और प्रसाद होता है, तो धूप आप वहाँ पे निकाल के उसको, सामने भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ पे आप धूप लगा दोगे, और भैरव बाबा मंदिर पे आप बेलपत्र भी लगा सकते हो, आगे एक छोटा मंदिर और है, एक काल भैरव का मंदिर है, वहाँ पे आप ये सारा प्रसाद चढ़ा सकते हो। उसके बाद भैरवनाथ आ गए, फिर काल भैरव, तो यही था बेसिक आपको मैंने मंदिर पे पूजा वूजा कैसे की वो सारी आपको बता दी। बाकी यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचने का भी कोई, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई पहाड़ी नहीं दिख रहा है, देखो सामने कितना फोग है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये देखो एक डिस्टेंस है कुछ 10 मीटर का 20 मीटर का, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी बस बारिश ना हो जाए, मेरे पास रेनकोट है वो छोटा सा ही है। और कुछ भाई बता रहे थे नीचे, लोकल भी बता रहे थे कि है ना कल ओले भी गिरे थे अच्छे खासे मोटे मोटे, तो वो मौसम के ऊपर है, मौसम कैसा चल रहा है। हाँ, बाकी धीरे धीरे आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, इतना कोई बड़ा ट्रैक नहीं है कि यार कोई ज़्यादा ही दिक्कत आएगी, मेरे को नहीं लगा। मधमेश्वर और केदारनाथ का ट्रैक इससे टफ है, ये हाइट पे ज़रूर है लेकिन टफ नहीं है, वहम डाल रखा है लोगों ने यूट्यूब पे कि भाई टफ है, टफेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप अपनी ट्रैकिंग कर सकते हो। सीधा भी चढ़ सकते हो ऐसे घूम के, ऐसे एंड देन गो, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे भी जा सकते हो। अपन शॉर्ट ही लेते हैं भाई, इतना कुछ ज़्यादा टफ है नहीं शॉर्ट भी, थोड़ा सा यूं है बट कोई बात नहीं। मज़े ही आ गए यार, सिटिंग इन फॉग। अरे भाई देखो 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 रे देखो, फॉग इज कमिंग। 40 मिनट का ट्रैक और रह गया है चंद्रशिला का। अच्छा, मैं ना चंद्र ताल और चंद्रशिला को ना यहीं पे सोच रहा था कि यहीं पे होंगी दोनों चीज़ अलग अलग हैं भाई, मेरा कन्फ्यूजन बड़ा रह गया ये तो। हाँ, चंद्रताल अच्छे से सर्च करूँगा चंद्रताल को, कहाँ क्या कैसे क्या ट्रैक है, और जाएंगे भाई वहाँ पे भी।
अब आप देखो कितनी बढ़िया धूप आ गई है। ओहो आराम से मिल रहा है, दही सिक रही है, क्योंकि आए थे जब पसीने थे तो भैया टी शर्ट भीग गई, उसके बाद ये फोग आ गया और मॉइस्चर एकदम सीला सीला सा हो गया था। अभी ठीक है, धूप निकल गई, थोड़ी जैकेट वैकेट है ये भी सूख जाएगी, टी शर्ट है ये भी सूख जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। अरे भाई धूप हो तो फोटो खिंचाने में आनंद है, अरे धूप ना हो तो भैया कोई फोटो नहीं, नेरा फोग ही फोग, फोग में कोई फोटो नहीं आएगी। हाँ एक बार तो मन ऐसा हो जाता है कि बस यहीं बैठ जा, चलने की कोई जरूरत ही नहीं है यार। है तो काफ़ी दूर अभी भी, ये देखियो बिल्कुल टोक पे जाना है। अरे वाल यो प्लाइंग कर, वो देखो पर्यटकों का आना जाना बिल्कुल लगा हुआ है बराबर, कोई नीचे आ रहा है कोई ऊपर आ रहा है, कोई नीचे को उतर रहे हैं। राम जी मुझसे पीछे, गुड स्पीकिंग स्किल्स, मतलब देसी है थोड़ा सा बट ठीक है। अगर बोला क्रॉस कर ले इतना टाइम लेके आओ अपने पास, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो है यहां पर कुछ खाने पीने का पर्यटकों को सुविधा मिले, ऊपर आना जाना बहुत है, बहुत दूर से आ रहे लोग, काफी दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं। एक बार देखो ये सामने बच्चे चढ़े ऊपर, हरे महादेव, जय तुंगनाथ, जय तुंगनाथ, ये देखो ये बच्चे अपने, हरे महादेव, हरे महादेव। इसमें फोटोग्राफर आ रहे हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं, जो इंटरेस्टेड जो लोग, ये मेरे साथ कुंदन गाइड चल रहा है, ये पंच केदार करेगा पूरा, ये देखो मेरा तीसरा केदार होगा, भगवान जय सब को अच्छा रखे। एक बार चलता हूँ तुंगनाथ से, क्योंकि रास्ता ऊपर खाबड़ है और बहुत ज्यादा पर्यटकों का, आप दिखा दूं मैं यहाँ से, देखो ये नजारा है और ये ऊपर चंद्रशिला, ये बच्चे जा रहे हैं, इनको जाने में टाइम लगता है 15-20 मिनट लग जाएंगे, ऊपर है बिल्कुल मंदिर, वहाँ चंद्रशिला और नीचे राम तपस्या, यहाँ पर रामचंद्र, और हमसे कहीं ज्यादा अंकल एक्टिव है। चंद्रशिला पर पार्वती ने तपस्या की थी, मेरा फोटो ले लो जी। हो गया हो गया अंकल, कवर हो गया, यूट्यूब के साथ वीरू पहाड़ी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। भाई अंकल की स्पीकिंग स्किल बढ़िया है, हमसे तो कहीं बढ़िया है यार, देसी है थोड़ा सा व्यू बट बढ़िया है, और एक्टिवनेस देखो ऊपर जाके आए एकदम फटाफट जा रहे हैं, है कि नहीं? कहां से हैं? ग्वालियर से आए, देखो झांसी ग्वालियर ललितपुर। फाइनली आ गए हैं भाई, हिम्मत करके, बहुत हिम्मत चाहिए, अरे बहुत ही नहीं, इतनी हिम्मत नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, पर चाहिए कंटिन्यूटी चाहिए मन में कि हाँ, अरे हम लोग पहुँचना है, क्या करते हैं घर में, इतना पड़े पड़े टोटे हो रहे हैं, हाँ खाते सोते घूमते थोड़ा काम है वो करते हैं, वही ना भैया, यहाँ पे आके तो सांस पे सांस निकल ही जा रहा है, सांस पे सांस निकल जा रहा है। और यहाँ पे देखो ना मधमेश्वर में ना इतना मौसम नहीं बदल रहा था, जैसे यहाँ पे फोग आ गया एकदम से, वहाँ पे तो क्या बारिश बारिश चल रही है, थोड़ा बहुत मौसम बदल गया, यहाँ पे क्या है नीचे बादल ऊपर भैया और हम सलाम लगाएंगे क्या, ये भी किसी बंदे ने खूब ही बनाया है पूरे जोश में